फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ला रहे हैं मिनी उत्तप्पा। मिनी उत्तप्पा के लिए हमें क्या चाहिए ये देखते हैं। मैंने सूजी ली है, एक कटोरी छाछ है, उसमें छाछ में भिगोया हुआ है, मैंने रात को ही भिगो के रखी हुई थी। बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और हरी मिर्च है, धनिया है, टोमेटो बारीक कटा हुआ, बेकिंग सोडा है 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार ही लेना है हमें, और कैबेज बारीक कटी हुई और ऑयल है। तो देखते हैं, हमें इसमें सब हम मिक्स कर लेंगे, कैबेज को मिक्स कर देंगे। सब मिक्स करके बैटर तैयार कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये नाश्ता बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और बड़ों को भी बहुत पसंद आता है, और झटपट बनने वाला नाश्ता है और हेल्दी है। इसे हम कभी भी हमारा मन चाहे करना तो हम बना सकते हैं। हमारा बैटर तैयार हो गया है। बैटर हमारा इस तरह चाहिए। अभी हम बनाएंगे मिनी उत्तप्पा। गैस हमने ऑन किया हुआ है, अभी हम उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। तवा भी हमारा गर्म हो गया है, अभी हम उसके ऊपर बैटर को डालेंगे। छोटी छोटी चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। ये हम बड़े तवे पे भी बना सकते हैं। लो फ्लेम ही रखेंगे हम, लो फ्लेम पे अच्छे बेक होते हैं, और हम 5 मिनट के लिए बेक करेंगे इसे। देखना है हमें उत्तप्पा बने हैं हमारे रेडी हो गए हैं, और अभी हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। इससे ऑयल भी बहुत कम लगता है। मेरी हर एक वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि इजी और झटपट बनने वाली चीज मैं आपको बताऊं, ताकि आप भी बना सको। हमारे मिनी उत्तप्पा रेडी हो गए हैं सर्व करने के लिए। हम ग्रीन चटनी और सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। देखो, हमारे दोनों साइड से बहुत बढ़िया और अच्छे बेक हो गए। हमें इसी तरह बेक करना है दोनों साइड से। रेडी हो गए सर्व करने के लिए। मैंने ग्रीन चटनी की रेसिपी पिछली वीडियो में वेजिटेबल्स चीज बॉल के, इसमें मैंने ग्रीन चटनी की वीडियो डाली हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लिंक चेक मेरी वीडियो आपको कैसे लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।